क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो बच्चों नूं स्वेटर्स बूटों की लोड़ है। कई बार बच्चों के मन में वहम होंदा कि पता नहीं जिहड़े इन्हां कुर्सियां ते विराजमान ने यह बहुत अमीर घरां दे ने। बच्चो असीं सारे ही तुहाडे वांगू टाटां दे बैठ के सरकारी स्कूलों में पढ़ के असीं कोई बहुते अमीर नहीं। जिहड़े अमीर होंदे पढ़ते नहीं होंदे, जिहड़े पढ़ते ने वह अमीर नहीं होंदे। ये तुसीं अपने दिल में रखना कि तुसीं जोर ला के पढ़ना बच्चों ने। तो मैं आस करती हाँ कि इस तरह ही साडे मेहमान साडे नाल जुड़े रहन ते बच्चों की मदद करते रहन। इन्होंने मेरा स्कूल चुनिया, मैं इन्हों का बहुत धन्यवाद करती हाँ। तो नाल ही जी आया आखदी हाँ कि यह एक बहाना है मेल होने का। मैनू भी पता लग्या कि वक् वक् जगह तो जिहड़े साडे मेहमान आए ने यह अक्सर ही बच्चों की मदद करते रहते ने किसी ना किसी रूप में। जरूरी नहीं कि स्वेटर दे के किसी बच्चे नू कदे कोई प्रॉब्लम हुंदी है। मैं तुहानू एक गल सुनाण लगी हाँ कि एक बच्चे की मदर व्याज ते 1000 रुपया 1050 रुपये फीस है बोर्ड की प्रीख्या फीस, तो उन्हें व्याज ते पैसे चुक के स्कूल च फीस दिती है। जदों सानू पता लग्या तो असी स्टाफ मैंबरस ने पैसे इकट्ठे करके वो पैसे वो मदर नू वापस किए। यहोजिया कई बार प्रॉब्लम्स होंदिया ने। बच्चों का पढ़नों दिल करता, बच्चा भी इंटैलीजेंट है ते जिहड़ा इंटैलीजेंट बच्चा वो असी भी मदद करने हमेशा ही तैयार रहने। जिवें साडा कल टूर जा रहा, बच्चों को पता कुछ बच्चे जाना चाहते ने पर उन्हां कोल 150 रुपये भी नहीं, तो असी हर क्लास चो एक एक बच्चा जिहड़ा आ अध्यापक पैसे दे के उन्हां नूं भेज रहा भी चलो ये बच्चों एक घूमण फिरन का मौका मिल जाए। अदरवाइज इकले आपां भी नहीं जा सकते, किसी जगह घूमण जाना हो असी भी नहीं जा सकते। अजकल हर एक चीज़ जिहड़ी आ महंगी है। इसलिए मैं फिर दोबारा अपने मुख मेहमान जी का ते आए हुए मैंबर्स का लोक संस्था के प्रधान जी का ते प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती।